क्या गाना है? मैं हूँ जंगल का राजा। बांक। Oh no! ऐसे खोल दे। मैं मेकअप करना भूल गई लग रहा है। बांक। Oh no! हाय हाय मेरे दिमाग में कितना दिमाग है। बांक। गिर जा भाई। Oh no! पिंकली स्ट्रिंग खा लिया मैंने थोड़ा सा। बांक। ये कोल्ड क्रीम है। ठंड ना लग जाए मुझे। बांक। मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए। बांक। तो 25 rupees के अंदर मैंने खरीदा है इतनी। Oh no! So hey fam, welcome back to my YouTube channel. मैं हूँ सुमधु भट्टाचार्य and if you're new to my channel then take a moment and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज्यादा एक्साइटिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं करूँगी अपना फुल फेस मेकअप, वो भी 25 rupees के अंदर। 25 rupees के अंदर? Wait a minute. हाँ मैंने बिल्कुल सच बोला, आज मैं पूरा अपना फेस का मेकअप करूंगी 25 rupees के अंदर। सारे जो प्रोडक्ट्स मैं यूज करूंगी उसमें से कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस 25 rupees से ज्यादा नहीं है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, एक्साइटिंग होने वाला है, तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो और चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स देख रहे हो फैम, इनमें से किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस 25 rupees से ज्यादा नहीं है। वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं फेस को वॉश करके। तो हम लोग फेस वॉश यूज करेंगे। तो ये है हिमालय का फेस वॉश जिसका प्राइस है 15 rupees। तो देख सकते हो या नहीं पता नहीं मुझे। हम लोग ने सारे फेस वॉश का पीएच टेस्ट किया था, फिर देखा था कि हिमालय का पीएच बहुत अच्छा आया था, तो इसीलिए इस बार हिमालय। नाक से देखो जैसे लग रहा है, थोड़ा लटक रहा है। अभी इसको धुल के आना पड़ेगा क्योंकि मैं पानी लेके नहीं बैठी हूँ। तो चलो फेस को वॉश करके आते हैं, आप लोग वीडियो देखते रहो। तो फेस को वॉश करके मैं आ गई हूँ, अभी इसको पोंछ लेंगे। तो फेस को अच्छी तरीके से साफ कर लिया मैंने, अभी इसमें कोई भी मेकअप कुछ भी नहीं है। तो अभी इसमें करेंगे हम लोग अपना खतरनाक 25 rupees वाला मेकअप। Oh no! तो ये है हमारा मॉइस्चराइजर जो है आयुर का, 10 rupees है इसका प्राइस, देख सकते हो। तो मैंने ट्राई किया कि कुछ अलग प्रोडक्ट यूज किया जाए, क्योंकि नहीं तो आप लोगों को लगेगा 10 rupees में जो प्रोडक्ट मैंने यूज किया था 25 rupees में सेम जाप दिया। नहीं भाई नहीं, पाप ना लगे मुझे, मैंने सारे प्रोडक्ट नया खरीदा है, ऐसे बिल्कुल बदनाम मत देना मुझे। 10 rupees के तुरतुरे, इतना बकबक करके आप लोग वो तो नहीं होते ना, तुम बकबक करके तो बोल कैसे होते। फेस को मॉइस्चराइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है मेकअप अप्लाई करने के पहले। मॉइस्चराइजर डन, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। कोल्ड मॉइस्चराइजर है पर कोल्ड तो नहीं लग रहा है, गर्मी लग रही है। तो नेक्स्ट मैं यूज करूंगी आयुर का ये वाला लिप बाम, लिप जेल, क्या है ये, लिप बाम है, जेल बाम, सॉरी लिप जेल बाम, दोनों ही है। तो इसका प्राइस है 10 rupees। तो इसको मैं अभी लिप्स पे अप्लाई करूंगी। इसको डायरेक्ट ऐसे हाथों से अप्लाई किया जाता है। थोड़ा सा लिप जेल यहाँ पर भी लगा लेते हैं गालों में, थोड़ा सा पिंक दिखेगा। तो चमक रही, देखो चमक देखो। तो दरवाजा बार बार बंद हो रहा था, खुल रहा था, अभी भी हो रहा है, पर मैंने वहां पे एक जेल लगा दिया। क्यों लगाया मुझे नहीं पता, अंदर से बंद भी कर सकती। मेरा दिमाग थोड़ा ज्यादा चलता है, अभी मुझे आइडिया आया कि अंदर से बंद किया जा सकता है। देखो इन्हें, ये है उस की बूंदें। तो अब मैं अप्लाई करूंगी अपने फेस पे अपना ब्रह्मास्त्र। तो दिल थाम के बैठी है फैम, और जो है हमारा फाउंडेशन, फाउंडेशन, फाउंडेशन। तो मेरा ये ब्लू हेवन का छोटू जो फाउंडेशन है, इसका प्राइस है 25 rupees। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वाटर प्रूफ है, तो बड़ा मस्त प्रोडक्ट है। फिर अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे, मतलब कितनी अच्छी तरीके से अप्लाई किया जा सकता है एंड ऑल। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि 25 rupees में मैंने फाउंडेशन कभी नहीं दिखा था, क्योंकि 10 rupees वाला बीबी क्रीम ही मुझे नहीं मिला था। तो 25 rupees में मुझे फाउंडेशन मिल गया, तो मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ मैम। तो इस बारे में तो आप लोग भी खरीद सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही छोटू है, तो कहीं पर भी लाइक कैरी किया जा सकता है। तो चलो देखते हैं ये कैसे काम करता है, कितना अच्छा है। वाओ कितना प्यारा सा है देखो। तो हम लोग अभी फाउंडेशन पे अप्लाई करेंगे। तो
ये मेरा स्किन टोन तो बिल्कुल नहीं है, स्किन टोन से बहुत लाइट है, तो देखते हैं कि कैसा लगता है इसको अप्लाई करने के बाद। मुझे नहीं पता इसका डिफरेंट शेड्स मिलता है या नहीं, क्योंकि मुझे यही मिला, ये कितनी बड़ी बात है कि ये मिला। तो मेहरबानों और कदरदानों दिल थाम के बैठिए, क्योंकि मेरे पास आप लोगों के लिए और भी सरप्राइजेस है, और भी नए नए प्रोडक्ट्स है। तो मैं आप लोगों के साथ अभी जो शेयर करने वाली हूँ वो है मेरा अनोखा ब्यूटी ब्लेंडर। देख सकते हो फैम कितना क्यूट क्यूट सा है, और इस सबका प्राइस है 10 रुपए करके। तो ये पैकेट का मुझे प्राइस पड़ा था 55 रुपीज ऐसा कुछ। सुंदर दिखने में कुचू। मुझे इस फाउंडेशन का फिनिश बिल्कुल सीसी क्रीम जैसा लगा, सीसी क्रीम का जैसे एक लाइट फिनिश होता है, लाइक फाउंडेशन जैसा वेट नहीं लगता, बिल्कुल लाइट फील होता है ना, तो वैसा वाला फील आ रहा है मुझे। काफी अच्छा है इसका फिनिश, मुझे काफी पसंद आया। छोटू रॉक्स सुमेधा शाह बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है, तो मैं जब डेली मेकअप करूंगी मैं इसको जरूर अप्लाई करूंगी अपने फेस पे। तो नेक्स्ट मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया एक्चुअली में, मुझे खरीदना था आईब्रो पेंसिल, पर मैंने दुकानदार को जाके बोला काजल, क्योंकि मैं भूल गई थी आईब्रो पेंसिल के बारे में, क्योंकि मैं बहुत टाइम से आईब्रो पैलेट यूज कर रही हूँ, तो पेंसिल के बारे में मैं भूल गई। इसीलिए मेरे पास ये काजल जिससे मैं बनाऊंगी आईब्रो, मुझे हर बार ये मेस क्रिएट करना ही होता है। 10 रुपए के चैलेंज में भी मैंने सेम किया था, आईब्रो पेंसिल भूल गई थी, लगाना भूल गई थी, इस बार खरीदना भूल गई हूँ, तो मेरे दिमाग को सच में ब्रेनो लिया चाहिए होगा। मुझे लग रहा है मैं ज्यादा डार्क कर दी हूँ आईब्रो का, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे थोड़ा सा ब्रश चाहिए होगा। तो मैंने खरीदा है 20 रुपए में ये वाला ब्रश का सेट। तो इसमें से देखते हैं क्या क्या ब्रश है, क्या क्या नहीं है इसमें। जैसे कि देख पा रहे हो आप लोग, ऐसे इतने सारे है ब्रश, ब्रश की हालत काफी खराब है। ये थोड़ा सा हेल्प कर सकता है, ये थोड़ा सा हेल्प कर सकता है, तो इन लोगों का हेल्प लिया जाए। तो मैं इस ब्रश में थोड़ा सा लेती हूँ काजल को और इसकी हेल्प से लगाती हूँ। Who are you? इसके ऊपर मुझे लग रहा है अलग से वीडियो बनाना चाहिए फैम, क्योंकि देखो आईब्रो कितनी सुंदर बना रही हूँ मैं। ये बहुत अच्छा हैक दिमाग में मेरा आ गया, मुझे नहीं पता किसी ने पहले देखा होगा या नहीं, बड़ा अच्छा बना रही हूँ। पर देख सकते हो फैम आईब्रो हमारा बिल्कुल रेडी है थैंक्स टू दिस पेंसिल एंड दिस बहुत ही कमजोर वाला ब्रश। नेक्स्ट मेरे पास है ये वाला पैलेट, जो मुझे मिला है 25 रुपए में, बहुत ही बोलने के बाद, क्योंकि 30 रुपए इसका प्राइस है, 25 रुपए में किसी भी हालत में देने के लिए वो रेडी नहीं थे। बहुत ही लड़ झगड़ के मैंने ये 25 रुपए में लिया है, पर मुझे इन्होंने दिया था ये आईशैडो पैलेट बोल के, पर मैं घर आके देखती हूँ ये है ब्लशर का पैलेट। oh, no. बहुत अच्छी बात है, इसको ओपन करते हैं अभी। ये ओपन नहीं हो रहा है क्यों? ओपन कैसे होगा? One eternity later. देखो ये टूट गया फिर भी नहीं खुला, पर मैं इसको खोल के छोड़ूंगी, टूट जाए पर खोल के तो छोड़ूंगी मैं इसको, ऐसे खोलते हुए। Finally, इसकी हालत देखो, इसने इसको खोला है। तो कौन सा कलर करूँ चिक के लिए? पिंक वाला करती हूँ, इससे होगा मुझे लगता तो नहीं है। ये क्या है, होली वाले कलर लग रहे हैं भाई ये, चलो इससे ट्राई करते हैं। अल्लाह बचाए मुझे तेरे बार से, मैं क्या क्या प्रोडक्ट यूज करके अपने फेस पे मुझे ही नहीं पता। इसको भी कैसे कम करूं मुझे समझ नहीं आ रहा, हाथों से करना पड़ेगा क्योंकि इसका जो ब्रश है कोई भी काम का नहीं है, बड़ा गंदा ब्रश है। थोड़ा सा फाउंडेशन लगा लेती हूँ इसके ऊपर से, तो मैं नया एक ब्लेंडर यूज कर लेती हूँ। अच्छा ही हुआ ना ज्यादा मतलब ब्लश लगा के, क्योंकि आप लोगों को पता चल गया कि फाउंडेशन का कैसा है कवरेज। तो नेक्स्ट है मेरे पास ये वाला आईलाइनर, देख सकते हो ये कौन सी कंपनी का है, मार्टिन, मुझे मैंने नाम कभी नहीं सुना पहले। इसका प्राइस है 10 रुपए। तो देखते ये आईलाइनर कैसे काम करता है। तो नेक्स्ट मैंने खरीदा है ईवा का ये टैल्क, तो इसको हम लोग यूज करेंगे एज अ लूज पाउडर, और इसका प्राइस है 10 रुपए। इसका स्मेल काफी अच्छा है,
तो नेक्स्ट मैंने खरीदा ये वाला लिपस्टिक जिसका प्राइस है 15 रुपए, और ये वाला लिप लाइनर जिसका प्राइस है 10 रुपए। मैं ज्यादा डार्क कलर का लिपस्टिक लगाती नहीं हूँ, आप लोगों को पता है, तो ज्यादा नहीं लगाया मैंने इसीलिए। तो ये है मेरा लिप लाइनर। इसका कलर शेड काफी अच्छा है, फिर हम देख सकते हो इसका भी शेड काफी अच्छा है, इसका भी शेड काफी अच्छा है। इसका एक ऐसे ऑरेंजी स्टोन आ रहा है, तो दोनों को मिक्स करके जो लिप का शेड आया है काफी सुंदर आया है, है ना? आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि कैसा लगा लिपस्टिक का शेड, मुझे तो काफी पसंद आया। पर यही पे एंड नहीं, मेरे पास है बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बड़ा वाला एक लिपस्टिक, जो है ये। ये लिपस्टिक हमें मिला है 10 रुपए में, और इसका साइज देख सकते हो कैप्सूल जितना है, इससे ज्यादा बड़ा कैप्सूल मैं खाती हूँ। तो इसका शेड देखते कौन सा है। इसका शेड काफी अच्छा था, यही लगाना चाहिए था मुझे, काफी अच्छा वाला शेड है। देखो फर्स्ट ग्लाइड में देखोगे कैसे है, ये देखो अच्छा है भाई, 10 रुपए में इतना अच्छा है। इसको मैं जरूर कोई ना कोई वीडियो में अप्लाई करूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो कमेंट में बताओ क्या इतनी छोटी सी लिपस्टिक कभी लगाया है आप लोगों ने। तो नेक्स्ट मैंने खरीदा है 10 रुपए में ये वाला छोटू रबर बैंड का पैकेट, जिसमें बहुत सारा कलरफुल रबर बैंड है, देख सकते हो। तो मुझे पता है ये मेकअप प्रोडक्ट नहीं है, पर हाँ हेयर भी तो है ना जरूरी। मैं यूज करूंगी एक छोटू सा रबर बैंड, मुझे लग रहा है एक से हो जाएगा हमारा हेयर स्टाइल। जल्दी जल्दी बताओ कमेंट में कैसी दिख रहे हो। लास्ट दिखाती हूँ क्या खरीदा है मैंने। लास्ट मैंने खरीदा है ये वाला नेल पेंट, कितना प्यारा दिखने में, देखो पर खुल नहीं रहा है, खुल गया फाइनली। कितना प्यारा कलर है, तो देख सकते हो बहुत ही प्यारा कलर है। तो ये नेल पेंट मुझे मिला है 10 रुपए के अंदर, तो बहुत ही प्यारा है ना कलर। तो बाकी नेल्स में मैं बाद में लगा लूंगी, आप लोग कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, कैसे लग रही हूँ मैं, कैसा है मेरा फाइनल लुक। तो वीडियो अगर अच्छा और हेल्पफुल लगा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आप लोग के पास पहुंच जाए उसका नोटिफिकेशन। तो बहुत जल्द मिलूंगी बहुत अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक इस वीडियो को बहुत सारा शेयर करो, बहुत सारा प्यार करो, और बताना जरूर कि 25 के अंडर में जो मेकअप प्रोडक्ट्स मैंने यूज किया उनमें से सबसे अच्छा आप लोगों को कौन सा लगा, और आगे कौन सा ऐसे चैलेंज वीडियो आप लोग देखना पसंद करोगे कमेंट में जल्दी बताओ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, लव यू ऑल, टाटा बाय।